मामला बुलंदशहर तहसील सियाना क्षेत्र के गांव निखोबा का है, जहां विकास कार्य व सफाई को लेकर ग्रामीणों में एक अच्छा खासा रोष ग्राम पंचायत के खिलाफ देखने को मिला। वहीं गांव में साफ सफाई न होने के कारण गंदगी व बीमारियों का बोलबाला है। वहीं दूसरी ओर गांव में विकास कार्य व सफाई न होने से आम जन परेशान है। गलियां व नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। तालाब की सफाई न होने से अनेकों जहरीले कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, जिनसे पास में बने स्कूल में पढ़ाई कर रहे मासूम बच्चों को जहरीले कीड़े मकोड़े व सांपों से आए दिन जान का खतरा बना रहता है। क्या नाम बेटा आपका? शिव शर्मा। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? कपूर विद्यालय। क्या है समस्या यहाँ की? हमारे स्कूल के पीछे घोड़ा, उसमें से सांप आ जाते हैं कीड़े मकोड़े। और इसकी झोड़ की सफाई अभी तक हुई है? एक बार नहीं हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश। और ये गांव कौन सा है? निखोब। इस गांव में प्रधान ने अब तक 2 साल में कितने कार्य किए हैं? देखो जी, अभी तक हमारे यहाँ तो मोहल्ले में कुछ हुआ ना। अभी हमने तो सुना है बहुत कार्य किए हैं उन्होंने। हमारे जाटा मोहल्ले में कोई भी काम नहीं हुआ। और कोई सरकारी योजना आती है कि जैसे तुम्हारे क्या बोलते हैं कि वो आंगनबाड़ी है फलाना ढिमकाना, उसको सब उस आप या अपने अपने कर लेते हैं। आपका मतलब वो हमारे मोहल्ले में किसी को भी तो नंबर आना चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।